हाय फ्रेंड्स, आई एम पवन नारायण। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कि फेक कलर्स इन लाइट रूम, मैंने इसका जो सनसेट है फेक करा हूँ, पर इसको रियल बट रियल लग रहा है। तो इस फोटो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने इसको कैसे एडिटिंग किया एंड इसका प्रोसेस। तो फिर वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दे एंड चैनल को नए है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो फिर फ्रेंड्स, हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं एंड अपना फ़ोटो को शेयर कर लेना है अपने लाइटरूम एप्लीकेशन पर। एंड इस फ़ोटो को मैं ओपन कर लेता हूं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन पर। तो लाइटरूम एप्लीकेशन पर अपना फ़ोटो को शेयर करने के बाद में आपको इधर स्किप कर देना है एंड इधर आपको लाइट्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, लाइट्स का हमें करेक्ट करना है। तो पहले मैं इसको ऑटो करके देख लेता हूँ। ऑटो में मेरा परफेक्ट हुआ है, तो मैं इसका एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ जिससे मेरा फ़ोटो में थोड़ा ब्राइट आ जाए। ठीक है, तो एक्सपोजर मेरा कम है, बाकी सब जो ऑटो ने किया है बहुत परफेक्टली किया है ऑटो टूल्स। तो इसमें ऑटोमेटिकली मतलब हो जाता है लाइट करेक्ट, अगर ऑटोमेटिकली नहीं होगा तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। तो देखिए मेरा बिफोर आफ्टर भी एक बार, एंड इसका टेम्परेचर में जाकर मैं इसका टेम्परेचर को -2 कर देता हूँ एंड टिंट +2 एंड वाइब्रेंस को +17 अराउंड कर देता हूँ। एंड अब मैं अपना जो इधर एक टूल्स आपको दिख रहा है सबसे ऊपर सिलेक्टिव का, इसमें आपको क्लिक करना है और ब्रश सिलेक्ट करके आपको इस वाइट जो स्काई का पार्ट है इसमें आपको कर देना है, यानी इरेज करके आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इरेज करना है। कैसे, देखिए ये नीचे जो इरेज का है ऐसे सिलेक्ट कर लेना है एंड इसको इधर आप इस तरीके से ब्रश कर लेना है। तो इरेज होने के बाद में आपको क्या करना है मैं दिखा देता हूँ। तो आप देखिए पहले इसका टेम्परेचर में जाने के बाद में आपको इसका टिंट ज़्यादा कर लेना है, टेम्परेचर का ऊपर का प्लस ज़्यादा करना है आपको एंड सेचुरेशन को भी ज़्यादा कर लेना है। एंड इसका ह्यू को ऑरेंज का इसमें आपको लाना है ऑरेंज में, जैसे कि जैसा शाम का टाइम में जैसा लुक आता है स्काई का उस लुक में आना है आपको। एंड नीचे आपको कलर्स दिख रहा है इसको भी ऑरेंज में आन के हम रखने वाले हैं, तो इसको ऑरेंज में रख देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें रख रहा हूँ तो जैसे आपका रियल लगेगा। ठीक है, उस तरीके से आपको करना है। एंड टेम्परेचर को मैं ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि शाम का जैसा लुक आएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर को मैं इधर ज़्यादा कर लेता हूँ और टिंट को माइनस। एंड नेक्स्ट जो मैं करने वाला हूँ आप देख लीजिए कैसे कर रहा हूँ, टेक्सचर को ज़्यादा करना है, क्लियरिटी ज़्यादा सबसे, एंड डीएच को आप ज़्यादा कर लेना है। एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। तो आपको ये काम हो जाने के बाद में डिटेल्स में जाने के बाद शार्पिंग आपको माइनस कर लेना है और माइनस करने के बाद में टिक। ठीक है, तो डन। अभी मेरा पूरा सिलेक्टिव अभी मैंने नहीं किया है कम्प्लीट, तो फिर से आपको इसको सिलेक्टिव करना है। देख लीजिए और क्या करना है, फिर से सिलेक्टिव करने के बाद में आपको इस बार नीचे नीचे की साइड में थोड़ा सा ब्रश करना है। ठीक है, जो कि इस पार्ट में नीचे के साइड में आपको ब्रश कर लेना है, इस साइड में जैसे कि इस पार्ट में ब्रश करके इस बार इसका थोड़ा डीएच कम मूव करना है। ठीक है, जैसे रियल लगेगा इसलिए। तो इसको देखिए, फिर मैं इधर इरेज कर लेता हूँ और थोड़ा इधर इरेज कर लेता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ देख लीजिए, आप टेम्परेचर में जाने के बाद टेम्परेचर में थोड़ा इस बार कम रखूँगा इतना, एंड देख लीजिए और थोड़ा कम कर देता हूँ जिससे अच्छा सा कॉम्बिनेशन आपको अच्छा करना है। एंड सेचुरेशन इस बार मैं माइनस करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका सेचुरेशन जो है इस बार थोड़ा सा मैंने माइनस नहीं प्लस ही में ठीक लग रहा है, तो 24 में रख रहा हूँ। एंड नेक्स्ट आपको जो इफेक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है इसमें मैं इसका डीएच प्लस कर रहा हूँ और क्लियरिटी टेक्सचर को कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मेरा फ़ोटो में देखिए थोड़ा एक कैसा है स्काई चेंज आया है इफेक्ट। एंड नेक्स्ट ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ग्रीन कलर को सिलेक्ट करने का ह्यू इसका माइनस कर लेना है, ह्यू जो है इसको मैं माइनस कर लेता हूँ एंड इसका सेचुरेशन भी माइनस कर लेता हूँ। एंड सेचुरेशन माइनस करने के बाद मैं इसका ऑरेंज कलर पे जाकर इसका ह्यू माइनस एंड जो स्किन का कलर होता है उसमें भी जाकर इसका ह्यू प्लस सेचुरेशन माइनस एंड लुमिनेंस को थोड़ा ज़्यादा कर लें जिससे हमारा स्किन वाइट हो जाए। तो फिर इसका बाद में आपका इसका ब्लू कलर को जो सिलेक्ट करके इसका सेचुरेशन डाउन थोड़ा कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट जो ग्रेडिंग का ऊपर आपको टूल्स दिख रहा है, ग्रेडिंग में जाने के बाद में मैं इसका ग्रेडिंग करने वाला हूँ। तो इसका शेडोज़ को मैं इस साइड में रख रहा हूँ एंड इसका जो मिटोन से मैं इसका मिटोन एक पूरी फ़ोटो में एक टोन देगा, तो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अपने हिसाब से फ़ोटो का जो ओरिजिनली जैसे मैं रियल लगेगा, रियल लुक में लगने से अच्छा लगेगा। एंड इसको रियल में रख लेता हूँ एक जिसे रियल रहता है आपका। ठीक है, एंड इसका हाइलाइट्स को मैं ज़्यादा हाइलाइट्स जो पार्ट है उसी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला, यस। तो ये भी मेरा डन हो गया। तो देख लीजिए मेरा फ़ोटो कैसा ओरिजिनली लग रहा है एकदम। ठीक है, तो फिर इसका बाद में मैं इसका क्या करने वाला हूँ देख लीजिए आप कैसा हुआ है एक बार फ़ोटो को।
तो फ़ोटो को मैं बिफ़ोर एंड आफ्टर भी आपको दिखला देता हूँ। तो इस फोटो में मेरा एक कमी लग रहा है जो कि विनीगेट का, तो आप इफेक्ट पे जाकर विनीगेट का एक यूज़ करके देख लीजिए, ए रहा विनीगेट, इसको आप माइनस कर लेना है। तो आपका फ़ोटो का साइड में देखिए कैसा लुक आ रहा है, अभी मेरा फ़ोटो पूरा ओसम लुक दे रहा है। तो अब मेरा पूरा फ़ोटो का एडिटिंग हो गया है कम्प्लीटली, तो आप देख सकते हैं इसके बिफ़ोर एंड आफ्टर मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसा हुआ है, देख लीजिए बिफ़ोर एंड इसका आफ्टर। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को एक लाइक। तो मिलते हैं हमारा नेक्स्ट।